नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में दामाद अपने ससुर के यहां पर नकली पिस्तौल लाइटर लेकर पहुंचा। दोनों पक्षों में हुआ जमकर विवाद। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। पुलिस ने दोनों पक्षों के कहे अनुसार विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इंदौर के खजराना थाना प्रभारी द्वारा बताया गया है कि क्षेत्र स्थित मजेस्टिक नगर में रहने वाले निसार नामक व्यक्ति के घर पर स्वयं के दामाद जुनैद अपने पिता हामिद और अन्य साथियों के साथ नासिर के घर पर पहुँच गए थे, जिसके बाद में दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि बेटी को ससुराल नहीं भेजने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी और दोनों रिश्तेदार हैं। मामूली कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इसके बाद पूरे मामले में खजराना पुलिस द्वारा मारपीट धाराओं में केस दर्ज करते हुए नकली पिस्तौल जो कि सीसीटीवी में नजर आ रही है उसे जब्त किया गया है। वो एक प्रकार का लाइटर है जिसमें से आग निकलती है और यही नकली पिस्तौल लेकर दामाद अपने ससुर के घर पहुंचा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जाँच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खजराना थाना क्षेत्र में मजेस्टिक नगर में दो पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों में हाथापाई और मारपीट हुई थी, जिसके पश्चात में दोनों पक्ष थाने पर उपस्थित हुए, जिनकी सूचना पर रिपोर्ट पंजीबद्ध करी गई है, लगाने कार्रवाई की गई है। घटना के दौरान एक पक्ष के द्वारा एक लाइटर नुमा पिस्तौल का इस्तेमाल करना फुटेज में सामने आया था, जिसकी जाँच करने पर पाया गया कि वह एक लाइटर है और ना कि ओरिजिनल पिस्तौल है, जिसको अवैध रूप से जब्त किया गया है। बताने कार्रवाई की जा रही है। सर, किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है? साधारण मामला मारपीट की धाराओं में प्रकरण पंजीकृत किया गया। ये आपस में समझी है और जूने दिन का जवाई है, जिसने इसके ससुर निसार पर पत्नी को मायके ना जाने और इसी बात पर आपस में विवाद हुआ था हम लोगों का, जिसमें पिस्तौल नुमा एक लाइटर था जिसे डराने धमकाने का प्रयास किया था, जिस पर से आरोपी की गिरफ्तार हो चुकी है और उससे जो नकली पिस्तौल नुमा जो लाइटर था वो ईडी ने जब्त कर लिया। सर, ये लाइटर ही था या असली में गन? ये लाइटर ही था। हम लोगों को भी पहले देखने में लगा था कि शायद ये पिस्तौल वगैरह हो, लेकिन जब इसको घटनास्थल का हम लोगों ने निरीक्षण किया और आरोपी से पूछताछ की और सब चीज़ें हमने संकलन साथ ही संकलन किया, तो मालूम हुआ कि पिस्तौल नुमा लाइटर है, प्लास्टिक की नकली बन चुकी है। सोशल मीडिया पर तो चल रहा था कि फायरिंग भी हुई थी, उसमें भागदौड़ भी मची है। हाँ, उसको देखने पर ऐसा लग रहा है, लेकिन जब वो घटनास्थल का निरीक्षण किया तो वहाँ किसी प्रकार का कोई राउंड भी नहीं मिला है और कोई इस तरह का कोई फायर वगैरह वाली कोई साक्ष्य नहीं आया। पारिवारिक लोग? हाँ, ये पत्नी अपने मायके जाने चाह रही थी, जुनेश की पत्नी, और निसार उनको घर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन जुनेश का कहना था कि मैं अभी नहीं जाने देना चाह रहा हूँ और ये मेरे ससुर मेरे घर की आपसी बातों में बार बार वाद विवाद करते हैं और जिससे हमारे घरेलू संबंध बिगड़ रहे हैं और इसी आपसी पारिवारिक रंजिश को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। ये BNSS की 296/115 इंजेक्शन के तहत इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। हाँ, आरोपी जुनेद की भी गिरफ्तारी कर ली गई है, जो पिस्तौल नुमा आवेदन वो भी वीडियो जब्त कर लिया गया है और विवेचना जारी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।